और तालाब में जिस प्रकार दो चार आठ लोग, दो चार आठ मरी मछली होती है ना, मरी मछली है दो चार लोग, और दो चार लोग के वजह से अगर 80,000 बर्बाद हो रहा है, पूरे लाखों लाख अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है, तो उस मछली को तालाब से निकाल के फेंक देंगे कि उन चार लोग को हम बहिष्कार करेंगे और धमकी देने का काम करता है दो चार लोग। एकदम डायरेक्ट मैं चेतावनी देता हूँ, धमकी जो साथ में आते हैं उसको धमकी दिया जाता है, फोन किया जाता है, मैसेज किया जाता है, अरे थोड़ा उठा लेंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देते हैं। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ दो चार लोग को कि ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ जो गलत डायरेक्शन में जाएगा उसका विरोध करूँगा, हमेशा विरोध करूँगा, जो सही डायरेक्शन में है उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये कुंदन यादव का वादा है, चाहे भैंस चराने से लेकर के हर चीज में आज तक हम लोग को भैंस तो पटक भी नहीं किया, चार चार को भैंस नहीं पटका, चार लोग आदमी क्या पटक देगा, भैंस भैंस से भी क्या मजबूत है उन लोग। ये कुंदन यादव वादा करते हैं उसको हम लोग कर, उसकी खैर नहीं है, उसकी बर्बादी है। आज तक किया तुम लोग क्या, मेरिट का चोला पहन के घूम रहा है जो साल भर से, अरे बताओ तुम लोग किए क्या हो साल भर में, नहीं तो तुमको PIL में जीत मिला, न रीट में जीत मिला, न तुम तो आज तक कभी BSEB के गेट को भी पकड़े हो, तुमसे न BSEB गेट टूटा है, न सचिवालय गेट टूटा है, आज तक किया क्या हो तुम लोग। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन है। कुंदन, 7 तारीख को आंदोलन होना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी कह रहे हैं कि हम साथ नहीं आएंगे, क्या कहिएगा? जी सर, नमस्कार। अगर दो चार लोग के वजह से, दो चार लोग जो नाली का कीड़ा है, नाली का कीड़ा से मैं उसे संबोधन करना चाहता हूँ, और तालाब में जिस प्रकार दो चार आठ लोग, दो चार आठ मरी मछली होती है ना, मरी मछली है दो चार लोग, और दो चार लोग के वजह से अगर 80,000 बर्बाद हो रहा है, पूरे लाखों लाख अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है, तो उस मछली को तालाब से निकाल के फेंक देंगे और उस नाली के कीड़ा को, जैसे सांप होता है ना, वो कुदाल से काट के निकाल देंगे और फ्रेश बहाली करवाएंगे। उस चार लोग को हम बहिष्कार करेंगे और धमकी देने का काम करता है दो चार लोग। एकदम डायरेक्ट मैं चेतावनी देता हूँ, धमकी कही जाती है, धमकी जो साथ में आते हैं उसको धमकी दिया जाता है, फोन किया जाता है, मैसेज किया जाता है, अरे थोड़ा उठा लेंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देते हैं। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ दो चार लोग को कि ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ जो गलत डायरेक्शन में जाएगा उसका विरोध करूँगा, हमेशा विरोध करूँगा, जो सही डायरेक्शन में है उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये कुंदन यादव का वादा है। आज तक वो दो चार लोग जो विरोध कर रहा है कभी कुछ नहीं कर सकता है आज तक, मैं और मुझसे वो किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एकदम व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। अगर विरोध करेगा आज तक तो आज इतना भी हम हर चीज़ में मजबूत हैं, चाहे भैंस चराने से लेकर के हर चीज़ में, आज तक हम लोग को भैंस तो पटक भी नहीं किया, चार चार को भैंस नहीं पटका, चार लोग आदमी क्या पटक देगा, भैंस से भी क्या मजबूत है उन लोग। ये कुंदन यादव वादा करते हैं उसको हम लोग, उसकी खैर नहीं है, उसकी बर्बादी है। कुंदन जी, आपने आरोप लगाया कि जो मेरिट के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कहते हैं, धमकी देते हैं, जो आपके साथ आ रहे हैं, तो किन लोगों को धमकी दिया गया है, किसको बताया जा रहा है कि धमकी? ओम प्रकाश भाई को धमकी देता है, और भी ऐसे भाई हैं, ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश सशत कई ऐसे भाई हैं, उसको मेरिट में जो आ रहे हैं उसको धमकी देता है। तो मैं कहता हूँ चीर देंगे एकदम शुरू से, मैं आक्रामक। आज तक किया तुम लोग क्या, मेरिट का चोला पहन के घूम रहा है जो साल भर से, अरे बताओ तुम लोग किए क्या हो साल भर में, नहीं तो तुमको PIL में जीत मिला, न रीट में जीत मिला, न तुम तो आज तक कभी BSEB के गेट को भी पकड़े हो, तुमसे न BSEB गेट टूटा है, न सचिवालय गेट टूटा है, आज तक किया क्या हो तुम लोग, आज तुम तो मेरिट के खाली चोला पहन के घूमा। भाई मेरिट वाले भाई, आप लोग को गुमराह कर रहा है दो चार लोग, मेरा ग्लास थोड़ा फंस गया चिल्लाते। मैं परमंडल वाई परमंडल गठन कर रहा हूँ जिसमें मेरिट भी साथ है, नॉट मेरिट भी साथ है, सभी अभ्यर्थी साथ हैं, इसलिए जो विरोध करता है प्लीज़ उसको विरोध कीजिए, सबकी बहाली हो जाएगी। सर्टिफिकेट की बात करते हैं, क्या उन लोग सर्टिफिकेट का समर्थन नहीं किया दो चार लोग, जो जाहिल प्रवृत्ति के सोच रहा है कि हम समर्थन नहीं करेंगे, अरे जाहिल
अरे बुजदिल, अरे कायर, मैं तुम्हें इतना गंदा से संबोधन करना चाहता हूँ कि बताओ बुजदिल कहीं का सर्टिफिकेट में तुमने सपोर्ट नहीं किया तो क्या सर्टिफिकेट नहीं मिला? एकदम छाती ठोक के कहते हैं उसी प्रकार बहाली भी होगा। और कोई माइक लाल है वो पैदा लेगा, बताते हैं रियल उधम सिंह है, रियल भगत सिंह है, भगत सिंह है, पटना कारगिल चौक है सामने है। अगर अगर कोई माइक का दूध पिया है तो सामने आके देख ले, हम लोग गलत में नहीं है। पढ़ाई से लेकर लिखाई तक संविधान की, अगर अगर जैसे आओगे मैं उसे आने के लिए तैयार हूँ। संविधान का तुम्हें सी अक्षर पता नहीं है, संविधान की क्या बात करते हो। अगर पढ़ाई में भी जिस दिन सामना कर लिया चार लोग, संविधान संविधान का 444 अनुच्छेद, और जिस दिन हार गए हम, तुम लोग सबको एक साथ रहना चारों लोग, और मैं अकेले रहूँगा उस दिन, तुम्हारा जूता रहेगा और मेरा सर रहेगा, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे बहाली को, गलत डायरेक्शन में नहीं जाने बहाली को जाने देंगे, सीधे सीधे चीर देंगे, सीधे सीधे फाड़ देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन थे, साफ साफ कहना है कि जो मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं साथ आते हैं उनको अभ्यर्थियों को धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि अगर जाइएगा तो फिर समझ लीजिएगा उठा लेंगे। देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। और मेरिट और नॉट मेरिट को सीधा सीधा कोर्ट के आदेश से साफ साफ कह दिया गया है कि दोनों एक हैं, क्वालिफाइड हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।